हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th एक्सरसाइज 4.3 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको ये जो गिवन इक्वेशन है वो आपको सॉल्व करनी है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया था, जो इक्वेशन हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दी गई थी वो राइट हैंड साइड में दिया गया है, जो नंबर राइट हैंड साइड में दिया था वो लेफ्ट हैंड साइड में दे दिया है। इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, आपको सिर्फ उसी स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह से जैसे हम करते आ रहे हैं उसी तरह इक्वेशन को सोल्व करना है। सो देखिए, फर्स्ट है कि 4 = 5 ब्रैकेट पी माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसके साथ तो कुछ नहीं करना क्योंकि नंबर है। तो यहाँ जो चेंजेस करेंगे वेरिएबल वाले साइड में, क्योंकि जो इक्वेशन वेरिएबल के साथ है वही इक्वेशन होगी, तो इक्वेशन वाले साइड में जो भी चेंजेस करेंगे वही हमारा जो भी साइड में दिया गया, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया गया तो लेफ्ट हैंड साइड में वही चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर नंबर को हम करेंगे 5 को हमें डिवाइड करना, एलिमिनेट करना है तो हम डिवाइड करके करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा क्या, डिवाइड बाय 5 बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड डिवाइड कर दें तो 4/5, यहाँ पर भी 5/5 और p माइनस 2। 4/5 ही सेम रहेगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा p माइनस 2। अब p यानी कि जो हमारा वेरिएबल है हमें वैल्यूज़ की निकालनी है, तो वेरिएबल के साथ वाले जो जितने भी नंबर हैं उनको एलिमिनेट करते चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस 2 है तो ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड स्टेप में हमें बढ़ना पड़ेगा क्या कि यहाँ पे माइनस 2 दिया है तो यहाँ पे इसको एलिमिनेट करेंगे प्लस 2 करके। ठीक है, स्टेप 2 हमारा है ऐड 2 बोथ साइड, दोनों साइड ऐड कर देते हैं 4/5 प्लस 2 और पी माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ इसको क्या करेंगे एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं, 5 एलसीएम रहेगा, या फिर 4+10 यहाँ पे पी। ठीक है, क्योंकि सारे नंबर एलिमिनेट हो चुके हैं तो यहाँ से ऐड करते हैं तो 14/5 और पी, या फिर इसको लिख सकते हैं क्योंकि पी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 14/5। ठीक है, सो गाइस ये रहेगा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम बढ़ते हैं पार्ट बी की ओर। पार्ट की ओर, बी पार्ट में क्या दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ये बिल्कुल सेम है, यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा दिया गया है, माइनस साइन दिया है, बाकी सारा सेम है। तो यहाँ 5 का एलिमिनेट करेंगे फर्स्ट स्टेप में, तो एलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लाई में है तो इस नंबर को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप लिखेंगे कि डिवाइड बाई 5 बोथ साइड, तो माइनस 5/4 5/5 और पी माइनस 2, यहाँ से तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा माइनस 5/5 माइनस 4/5 एंड पी माइनस 2। तो ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड स्टेप क्या रहेगा, स्टेप 2 में हमें पी के साथ वाले नंबर एलिमिनेट करने हैं, तो माइनस 2 है तो यहाँ पे प्लस 2 करके हम एलिमिनेट करेंगे इसको, तो यहाँ करेंगे क्या ऐड 2 बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड ऐड करते हैं तो माइनस 4/5 प्लस 2 और पी माइनस 2 और प्लस 2, तो ये तो ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, इसको फिर से एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 5 ही रहेगा, माइनस 4 ये सेम रहेगा और इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 देन पी। तो यहाँ से हमारे पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4+10 है, 5 है तो इसमें माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6/5। ठीक है, तो 6/5 हो जाएगी हमारी पी की वैल्यू। इसी तरह हम करते हैं इसका सी पार्ट में क्या कहते हैं, 16 = 4+3 ब्रैकेट टी प्लस 2, यहाँ पे टी है, ये टी प्लस 2 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जैसे 4 दिया गया है यहाँ पे, तो हमें सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट टाइम में हमें 4 को ही एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके वेरिएबल के साथ वाले नंबर को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं 4 का एलिमिनेट करने के लिए ये यहाँ पर एडिशन दिया गया है एड। अब हम करेंगे इसके फर्स्ट स्टेप में 4 ऐड किया गया है तो यहाँ करेंगे सबट्रैक्ट 4 बोथ साइड, सबट्रैक्ट करते हैं तो 4 माइनस 16 माइनस 4 एंड 4+3 और जैसा दिया गया है एज इट इज़, और यहाँ करेंगे माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें से माइनस करते हैं तो 12 एंड यहाँ होगा 3 और टी प्लस 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई फर्स्ट स्टेप से। अब हम बढ़ते हैं इसका सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जैसे इसके साथ है मल्टीप्लाई दिया गया है, बिल्कुल वही वाले इक्वेशन आ गए जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में थी हमारी, 3 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई किया गया तो हम इस नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इससे, 3 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड, 12/3 3/3 एंड टी प्लस 2
थ्री से तो थ्री कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल करते हो तो फोर, फोर इज इक्वल टू टी प्लस टू, ये हमारे हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब एक स्टेप और बढ़ेगा हमारे यहाँ पे, स्टेप थ्री रहेगा। यहाँ पे टी के साथ प्लस टू दिया है तो इस टू को एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें, और टू को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो फोर माइनस टू टी प्लस टू माइनस टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो टू और टी, इट मीन्स कि टी की जो वैल्यू हमारे पास आ गई टू। ठीक है, देखिए जैसा हमारा सी पार्ट था उसी तरह हमारा डी पार्ट है। डी पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फोर प्लस दिया गया है तो सबसे पहले प्लस या माइनस के साथ वेरिएबल ईज के साथ है मल्टीप्लाई किया गया है, देन उसके बाद नंबर आता है फोर ऐड किया गया है, तो पहले हम इस नंबर को क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा फोर का एलिमिनेट करेंगे तो प्लस दिया गया है यहाँ पे, तो हम करेंगे इसको सबट्रैक्ट फोर बोथ साइड, फोर प्लस फाइव एज इट इज़ जैसे भी दिया गया है, माइनस फोर करेंगे देन थर्टी फोर माइनस फोर। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसी को कैंसिल करने के लिए हमने इसको एलिमिनेट किया था, फाइव पी माइनस वन ये सेम रहेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो थर्टी, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की ओर, सेकंड स्टेप में हमें क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, फाइव का एलिमिनेट करना पड़ेगा, और फाइव एलिमिनेट करने के लिए ये नंबर के साथ क्या है मल्टीप्लाई है, इट मीन्स हमें फाइव से इसको डिवाइड करना है जैसे कि हम लास्ट में किया था, डिवाइड बाई फाइव बोथ साइड। ठीक है, तो फाइव से इसको डिवाइड करते हैं तो फाइव अपॉन फाइव पी माइनस वन, और थर्टी को भी हमें फाइव से डिवाइड करना है, ये कैंसिल हो जाएगा और इसे करेंगे तो इसको सिक्स हो जाएगा, यह हो जाएगा पी माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स, ये हमारा होगा सेकेंड इक्वेशन। अब हम बढ़ते हैं इसी के स्टेप थ्री की ओर, थर्ड स्टेप में क्या कहता है, अब पी इसको माइनस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, सॉरी वन को एलिमिनेट करना पड़ेगा पी से, तो पी से एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे हम ऐड वन बोथ साइड। ठीक है, पी माइनस वन प्लस वन सिक्स ऐड किया है तो प्लस वन, यहाँ पर भी इसका एलिमिनेट किया वन कैंसिल हो गया, पी की वैल्यू हमारे पास आ गई सेवन। ठीक है, सो गाइस ये था हमारा पार्ट डी। ये पार्ट में क्या कहता है जीरो इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, तो हम पहला स्टेप करते हैं क्योंकि पहले ये देख लीजिए कि फर्स्ट टाइम हमें एलिमिनेट किसको करना है, किस नंबर को करेंगे सिक्सटीन को करेंगे, तो यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ करेंगे सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट सिक्सटीन फ्रॉम बोथ साइड, तो जीरो यहाँ से भी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, जीरो माइनस सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस फोर और एम माइनस सिक्स और माइनस सिक्सटीन, तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस सिक्सटीन, यहाँ पे फोर एम माइनस सिक्स, तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका सेकंड स्टेप, स्टेप टू। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमारे पास है क्या फोर इसके साथ मल्टीप्लाई है तो हमें फोर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और फोर को एलिमिनेट करने के लिए हमें दोनों साइड क्या करने का पड़ेगा, इसको फोर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सेकंड स्टेप हमारा हो जाएगा क्या डिवाइड बाई फोर बोथ साइड, तो माइनस सिक्सटीन है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको भी फोर से डिवाइड किया, फोर एम माइनस सिक्स है तो इसको भी हमें फोर से डिवाइड किया, फोर से इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से कैंसिल करते हैं तो माइनस इसके साथ में ये ध्यान रखना माइनस फोर आएगा, और माइनस फोर इज इक्वल टू एम माइनस सिक्स, ये हो जाएगी हमारे सेकेंड इक्वेशन। अब हम बढ़ते हैं इसका थर्ड स्टेप, क्योंकि अभी हमारा वेरिएबल नहीं आया है, वेरिएबल के साथ में नंबर है तो इस नंबर को भी एलिमिनेट करना है, नंबर एलिमिनेट करने के लिए माइनस सिक्स है तो यहाँ करेंगे हम क्या ऐड सिक्स बोथ साइड, तो माइनस फोर प्लस सिक्स एम माइनस सिक्स प्लस सिक्स, सिक्स से सिक्स कैंसिल करेंगे, इसको सोल्व करते हैं तो आएगा टू, यहाँ बचेगा एम, तो इट मीन्स कि एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टू। सो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।